यो, दो तसो, अभी एक्सट्रैक्शन 2 के ट्रेलर की आग बुझी भी नहीं थी कि हॉलीवुड की तरफ से एक और मास्टरपीस आ चुकी है ज्वाला भड़काने। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 AKA मिशन इम्पॉसिबल 7 के ट्रेलर की। हाँ, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ जिसमें टॉम क्रूज ने आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्टंट किया है, जो कि हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में भी चल रहा था। और चारों तरफ टॉम क्रूज की इसी स्टंट के चर्चे हो ही रहे थे कि अब सुर्खियां बटोरने के लिए आ चुका है पूरा का पूरा टीजर ट्रेलर। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ग्रेट मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी का एक पार्ट है, तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेसिक होगी, बट ऑन अनदर हैंड बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग भी। जहां हमें अगेन दिखाया जाएगा कि अपने टॉमी भैया और उनकी टीम निकली है पूरी दुनिया को बचाने, मगर किससे? तो यहीं पे इससे रिलेटेड हम इस मूवी की मेन विलन की बात करते हैं, जिसे देख कर ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई मक्कार पॉलिटिशियन है। क्योंकि जैसा कि इसके ट्रेलर में ही बहुत ही ज्यादा अजीब इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटीज रखता है, तो ऑफ कोर्स ये कोई चूतिया नेता ही होगा। बट हम कुछ सीन में देख सकते हैं कि ये अपने टॉमी भैया से फाइट भी कर रहा है, एक्शन सीन में अच्छा खासा एक्शन भी कर ले रहा है, तो हु नोस, कोई और ही मेन हरामखोर विलन हो जो कि इस बलि के बकरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा हो। और ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि इस मूवी को 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये मेन विलन को पहले पार्ट में ही दिखा के खत्म कर दे, तो अगले पार्ट में बचेगा क्या तंबूर या फिर मेरा। देन इन सब बातों को साइड करके आगे बढ़ते हैं इस मूवी की जान शान प्राण यानी कि एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में। अब क्योंकि ये मूवी दी लेजेंडरी टॉम क्रूज की है, वो भी मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की, तो इसका एक्शन सीक्वेंसेस तो मजेदार होंगे ही ना बिड़ू। और इस मूवी के एक्शन सीन्स को देख के लग रहा है कि इनके स्टेक बहुत ही ज्यादा हाई होने वाले हैं। कहीं पे गाड़ी पे फाइट, कहीं पे बोट पे फाइट, कहीं पे प्लेन पे फाइट, एवरीवेयर इज फकिंग फाइटिंग। आई मीन आई वांट टू से दैट गो ऑन, बट विद हैशटैग ब्रिंग इट ऑन। अभी बॉलीवुड की नहीं हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो सॉरी भाईजान, बैक टू द टॉपिक। अपने टॉम क्रूज भैया इस बार बहुत ही ज्यादा इंटेंस लग रहे हैं, और मुझे इसका सिंपल कारण ये लगता है कि इस बार अपने जो टॉमी भैया को मिशन दिया गया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा पर्सनली कनेक्टेड होगा। ट्रेलर में कुछ डायलॉग्स को सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई उनका पुराना दोस्त, पुराना साथी, पुराना टीममेट उनका ही दुश्मन बन बैठा है। और आई थिंक हम सब ये बात जानते हैं कि जब कोई पुराना गहरा दोस्त आपके साथ गद्दारी कर बैठे तो वो आपको कितने अंदर तरीके से खोखला कर सकता है। मतलब ऐसा सिचुएशन अगर सच में क्रिएट हो गया तो यहाँ पे 2 डायलॉग बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करेंगे। एक, हमनी साथी खाइला, हमनी साथी पीला, और दूसरा, गदारी करवे तो रिबेन चो। सो ओके गाइस, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन आप लोग बिना किसी भी तरह के गद्दारी किए मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मिशन इम्पॉसिबल 7 के लिए। और तब तक के लिए देखते रहिए नाथी गेम्स, बोले तो धन्यवाद दो तुसो। नाथी, 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 नाथी,